कट लेंगे अच्छे से। और थोड़ा हाई फ्लेम कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले तेल डालेंगे। दोस्तों तेल गरम हो गया है, अभी हम कांदा डालेंगे अंदर। ये मटन के चाप डालेंगे, अब देख सकते हैं चाप है मटन के। थोड़ा सा मटन को हिला लेना है ऊपर नीचे से तेल में। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और फिर से एक बार इसको अच्छे से हिला लेंगे। दोस्तों अभी हम पानी डालेंगे, चार लोटे पानी डालेंगे डायरेक्ट चार, तो बिना कुकर का हम गला रहे इसके लिए चार लोटे पानी डालेंगे। और आधा घंटा इसको ऐसे होने देंगे। अभी हम इसको ढक देंगे। मटन चाप बनाने के लिए सबसे पहले हमें है ना मिर्ची निकाल लेना है, मिर्ची पाउडर है एक किलो में है ये, एक किलो मसाले के लिए। ये गरम मसाला निकाल लेना है थोड़ा सा। उसके बाद हमें लेना है धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी लेना है, क्योंकि हमने पहले हल्दी डाले थे इसलिए। और नमक भी थोड़ा ही लेना है क्योंकि वो भी हमने पहले डाला है। बस इतना मसाला है। और थोड़ा सा दालचीनी लेंगे और तेज पत्ता लेना है। देखो दोस्तों गटका लग रहा है। दोस्तों मटन गल गया है अभी, तो मैं ढक्कन को खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये देखो दोस्तों मटन गल गया है, कितना गाढ़ा गाढ़ा बन गया एकदम रसा भी। ये चाप पूरा बन गया, गल के तैयार हो गया एकदम चाप। अभी मैं रखूंगा इसके ऊपर कढ़ाई गैस के ऊपर। अभी मैं डालूंगा इसमें तेल। दोस्तों हम डालेंगे पहले तेज पत्ता, इसके बाद डालेंगे हम दालचीनी। मिक्सर के जार में, हाँ ये मिक्सर के जार में से मिर्ची निकाल के इसमें डालूंगा जो पीस के रखा हूं मैं। और थोड़ा सा पानी डालूंगा इसमें, थोड़ा सा इसमें भी डाल दूंगा। अभी हम डालेंगे इसमें चाप। इसको हम मिक्स कर लेंगे अंदर, पलट लेंगे अच्छे से। और थोड़ा हाई फ्लेम कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। और फिर से एक बार इसको हिला लेंगे मटन को, और फिर से एक बार हाई फ्लेम कर लेंगे। Thank you.
मटन चाप बनके तैयार हो गया है। अभी हम कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे। कितना गाढ़ा गाढ़ा बना है रसा, ये देखो एकदम गाढ़ा सूपी सूपी बना है एकदम। दोस्तों अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा बना है मटन चाप। टेस्टी, एक नंबर।